हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आप सभी के साथ क्विक एंड इजी बीफ नूडल्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग इसे चिकन के साथ भी बना सकते हो। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सबसे पहले इसके लिए एक सॉस बनाएंगे, तो उसके लिए 1/4 कप लाइट सोया सॉस का यूज़ करेंगे, 1 टीस्पून चॉप्ड जिंजर, 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबल स्पून सेसमी ऑयल। अगर आप लोगों के पास ये ना हो तो नॉर्मल ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। 2 टेबल स्पून हनी, 2 टेबल स्पून चिली पेस्ट। अगर आप लोगों को कोरियन चिली पेस्ट मिले तो वो बेस्ट रहेगा। सबसे पहले इसके लिए वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई करूँगी। 2 टेबल स्पून ऑयल का यूज़ करेंगे। 1 स्मॉल साइज कैरेट को मैंने जूलियन में कट कर लिया, ये इसमें डालेंगे। 1 मीडियम साइज रेड बेल पेपर को मैंने कट कर लिया है जूलियन में, ये भी डालेंगे। एंड 1 मीडियम साइज ग्रीन कैप्सिकम को कट कर लिया है जूलियन में, ये भी इसमें डालेंगे। अब इन वेजिटेबल को हाई फ्लेम में स्टर फ्राई करेंगे। ये सॉस जो मैंने बनाया था अब इसका 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे। ऐसे अच्छी तरह से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसे निकालेंगे। इसी पैन में मैंने 1 और टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। 1 मीडियम साइज ऑनियन को स्लाइस कर दिया, ये इसमें डालेंगे। जब ये सारा नरम हो जाए अब इसमें मैं 250 से 300 ग्राम तक स्टेक डाल रही हूँ। आप लोग किसी भी स्टेक का यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये सारा मीट ना मिले तो आप लोग इसके जगह पर चिकन का भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से बारीक स्लाइस कर दिया, ये इसमें डालेंगे। ऐसे 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में पकाएंगे। ऐसे स्टेज में फ्लेम को मीडियम कर रही हूँ और इसे 5 to 6 मिनट्स के लिए पकाएंगे। जब ये जूसेस खुश्क हो जाएगा तब ये कम्प्लीटली पक जाएगा, इसे ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा। इसके लिए 100 ग्राम नूडल्स का यूज़ करेंगे। आप लोग किसी भी नूडल्स का यूज़ कर सकते हो। इसे पकाएंगे तो पैकेट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से पकाइएगा। पानी मैंने गर्म किया है, जब ये बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए आप ये नूडल्स इसमें डाल कर पकाएंगे। इसके पानी में मैंने 2 टीस्पून सॉल्ट एंड कुछ ऑयल डाल दिया ताकि ये स्टक ना हो। मैंने इसे 8 to 10 मिनट्स के लिए बॉईल किया। अब इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए। जैसा आप लोग देख रहे हो इस मीट का पानी ख़त्म हो चुका। अब इसमें मैं ये सॉस डालूंगी, जो वेजिटेबल्स भी डालूंगी, अनियन नूडल्स। आप लोग चाहो तो इसमें नमक एडजस्ट कर सकते हो, डाल सकते हो। मैंने नहीं डाला क्योंकि सोया सॉस में ऑलरेडी नमक है एंड नूडल्स में भी नमक है। इसे 1 मिनट के लिए मैंने पका दिया या पी रेडी है। इसके ऊपर रोस्टेड सेसमी सीड डालेंगे।